नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। और सब कैसे हैं? आशा है सभी अच्छे ही होंगे। तो ये मेरे नींबू का पौधा है, ये 1 साल का है और देखिए इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो रही है और इसमें छोटे छोटे नींबू भी बन रहे हैं। तो ये मैं 10 दिन पहले, बारिश हो रही थी उस दिन, मैंने इसको रिपोर्ट किया था। ये बहुत ही छोटे से गमले में लगा हुआ था और फ्लावरिंग तो हो रही थी लेकिन इसमें फ्रूटिंग ज़्यादा नहीं हुई, एक फल लगा हुआ था। तो दोस्तों ये देखिए, ये फ्रूट कैरेट में लगा हुआ है। ये मेरे 2 खरबूजे के पेड़ हैं, निकल आए हैं, जो हम लोग बीज डाल दिए थे। तो दोस्तों देखिए, ये एक छोटा सा नींबू का पौधा है, इसको मैं 6 महीने पहले ले आई हूँ नर्सरी से और उसने भी, नर्सरी वाले ने बताया था कि ये 6 महीने का है, यानी अब मेरे पास ये 1 साल का है और इसमें छोटी छोटी फ्रूटिंग हुई है और फ्रूटिंग ये रिपोर्टिंग के बाद हुई है। देखिए इसमें खूब सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मैं आज बताऊंगी कि मैंने रिपोर्टिंग के समय इसमें क्या क्या मिलाया था, क्या क्या डाला था जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था। पहले ये छोटे से मिट्टी के पॉट में या मिट्टी के गमले में लगा हुआ था, तब इसमें सिर्फ फ्लावरिंग होती थी, फ्रूटिंग नहीं होती थी, एक भी फल नहीं आए थे। अब इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, फ्लावरिंग भी हो रही है। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें खूब सारे फल बने हुए हैं और ये मेरे नींबू का पौधा बहुत ही अच्छा चल रहा है, अच्छा दिख रहा है। रिपोर्टिंग के 15 दिन बाद का ये पौधा दिख रहा है। तो जिस दिन रिमझिम बारिश हो रही थी और मैं जैसे रिपोर्ट करने के लिए मिट्टी वगैरह तैयार की, वैसे ही बारिश हो गई, मैंने मिट्टी को ढक दिया और बारिश निकलने के बाद मैं फिर से इसको तैयार कर रही हूँ। तो ये मेरे किचन बेस्ट खाद मिलाया था, नीम खली मिलाया था, फंगीसाइड मिलाया था और 50% गार्डन सॉइल है और 50% गोबर की खाद है। इसमें फ्रूट कैरेट तैयार किया है और दोस्तों ये मेरे फ्रूट कैरेट, जिसमें मैंने बोरी बिछाकर नीचे छेद कर दिया है और बारीक बारीक नीचे कंकड़ डाल दिया और एक लेयर मिट्टी डालने के बाद मैंने इसमें किचन वेस्ट डाला है और कंपोस्ट भी साथ में डाला है। ये मेरे नींबू का पौधा दोस्तों, ये देखिए सिर्फ एक फल लगा हुआ है, बाकी कोई फ्लावरिंग नहीं है, बहुत छोटा पौधा है। इसमें चींटियां लग गई थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ी हल्दी डालकर रखा हुआ है, तो ये बढ़ नहीं रहा था तो मैंने सोचा कि बारिश के मौसम में इसको रिपोर्ट कर लिया जाए। दोस्तों अब इसमें ये सब मिलाने के बाद मैंने इसमें किचन वेस्ट अच्छे से डाला है, तो अब मैं इसे मिला लेती हूँ। और दोस्तों हल्की हल्की बारिश फिर शुरू हो गई तो मैं इसमें मिला करके फटाफट भर लेती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए कि मेरी मिट्टी गीली है और मैं इसे भर दी हूँ। बारिश होने लगी तो मैं थोड़ी देर के लिए फिर से इसे दबा करके छाई में खड़ी हो गई थी। अब मैं इसे फिर से, दोस्तों ये गीला बहुत है, तो मैं इसमें नीम खली और थोड़ा फंगीसाइड डाल दे रही हूँ। मिट्टी गीली है दोस्तों, वो दिख रही है सूखी सूखी, बहुत गीली है, एकदम पक गई है, बंध गई है और किसी तरह से मैंने इसे लगाया है। तो दोस्तों मैंने मोबाइल रख दिया था, मोबाइल रखने के बाद इसको गमले से निकालने में, हाँ थोड़ी गीली थी तो मेहनत लगी, निकाल लिया है और भर दी हूँ। इसको 2-3 दिन बाद सूखने के बाद मैं इसमें फिर से गुड़ाई कर दूँगी, अभी जैसे तैसे इसे लगा दिया है। मिट्टी को चारों तरफ दबा दिया है, कहीं से एयर ना रह जाए नहीं तो मेरे 1 साल का पौधा ख़राब हो जाएगा। इसमें फ्लावरिंग तो होती है, फ्रूटिंग नहीं होती। अगर हमें अच्छे फल लेने हैं तो थोड़ा गमला बड़ा करना ही पड़ेगा। तो देखिए मैंने ये लगा दिया है, ये मेरे नींबू का पौधा लग गया है, अब शायद अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेगा। था मेरे पास नींबू का पौधा लेकिन घर बन रहा था
उस समय उसमें सीमेंट गिर गई तो पूरा नींबू का पौधा मेरा ख़राब हो गया था। ये मैं दूसरा पौधा लेकर आई हूँ। और दोस्तों वैसे तो मिट्टी गीली है लेकिन फिर भी थोड़ा पानी डाल देते हैं, एयर बनी हो तो वो सही हो जाए। दोस्तों अब देखिए इसमें थोड़े चींटियाँ लग रही हैं, पता नहीं क्यों, तो थोड़ा सा मैं इसमें नीम ऑयल डाल करके छिड़काव कर दे रही हूँ। ये कॉलिन की बॉटल है दोस्तों, मत समझिएगा कि कॉलिन छिड़क रही हूँ, इसमें नीम ऑयल है। और इसमें 1919 का फर्टिलाइज़र भी थोड़ा मिलाया हुआ था, ये किसी और पौधे में डालने के लिए रखा हुआ था तो सोचा चलो इसी में लगा देते हैं। दोस्तों मैं कभी कभी चाय पत्ती वगैरह ला के अपने किचन वेस्ट के साथ पौधों में ही थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। इसमें रिपोर्ट करते समय 2 मुट्ठी नीम खली, 2 मुट्ठी सरसों की खली, फंगीसाइड और 50% गार्डन सॉइल, 50% गोबर की खाद मिलाकर रिपोर्ट किया है। और बस ये मैंने और कुछ भी यूज नहीं किया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।